तो कहा ना, हमारे आदि को ना दिए का बहुत ही शौक है। हमारा दिल करता है कि हम सारे शहर में ना दिया जलाएं। अरे भाई क्या कर रहे हो ये तुम? सुस्तैन के पैसे नहीं देते? वो देखो वहां झाड़ू पड़ा है, झाड़ू लगा दो, सफाई करो जल्दी जल्दी। अभी हमारा आदि आता ही होगा। मुझे तो कभी नहीं लगा। अरे कौन हो भाई? अरे जल्दी निकलो भाई, बहुत जोर की आई है यार। अरे पैंट में मुता जाएगा भाई, जल्दी खोलो यार। हमारा दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा काके थे, मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में मैनेजर है। उसका यहाँ आने का बहुत मन करता है, पर क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। आज आ रहा है, हमको बहुत खुशी हो रही है। हम उसके लिए कुछ सोच रखे हैं। हमने सोचा कि हम उसकी शादी कर देंगे। अब की बार वो आएगा ना तो उसके लिए सुंदर सी सुशील सी कन्या देखेंगे हम। वहाँ अकेला है ना तो उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा नए शहर में। देखो बात तो सही कह रही हो, बहू लाना जरूर खूबसूरत, लेकिन शहरी मत लेकर आना, वरना बिना ताल के सबको ताल पर नचाएगी और इस घर की महारानी नौकरानी बनकर रह जाएगी। समझ रही हो ना तुम? हाँ अरे सुनो, ये झाड़ू रखो और ये फल की टोकरी रसोई घर में रखा, और सुनो इसे संभाल कर रखना, हमारे आदि को आम बहुत पसंद है, खास उसके लिए रत्नागिरी से मंगवाए। अब जाओ जाकर रखो। अरे भगवान, आप इतनी परेशान क्यों है? हम ही तो परेशान होते हैं। आप कभी परेशान हुए हैं क्या आदि के लिए? अरे देवी जी, ये तो बताइए कि हुआ क्या है? क्या होगा, इस बार आदि आएगा ना तो हम उसकी शादी करा देंगे, एक सुंदर सी सुशील कन्या के साथ, और खासकर गांव की लड़की के साथ। फिर वो जब जाएगा ना शहर तो हम उसकी भी विदाई कर देंगे उसके साथ, और जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अरे आप इतनी हड़बड़ा क्यों रही है? अभी तो आदि आया भी नहीं है, पहले उसे आने तो दीजिए, फिर देखते हैं। अचानक से शादी का बम फोड़ देंगे, भाग निकलेगा वो। थोड़ा सब्र करिए। अरे आदि। मेरे बेटे कैसा है तू? बहुत बढ़िया पापा। पापा ये जैनी है, मेरी दोस्त, हम साथ में ही काम करते हैं। हेलो आंटी। हाय रणधीर, सॉरी रणधीर अंकल। हाय, आप हमें रणधीर कहिए, हमें अच्छा लगेगा। अभी तो मैं जवान हूं ना। रणधीर जी, कितना प्यारा घर बनाया है आपने। I really like it, बहुत प्यारा है। अरे अम्मा बैठ भी जाओ, ऐसा कौन सा बवाल हो गया जो पूरा घर नाप रही हो? कितने सपने देखे थे अपने इकलौते बेटे के लिए, और तुम हो कि लड़की को उठा कर लिया। जरा भी लाज लिहाज या इस घर की मान मर्यादा के बारे में नहीं सोचा तुमने? वो हमारे सिर्फ दोस्त है,
वो गांव देखना चाहती थी, सो ले आए। गांव देखने आई है, ये गांव भर को दिखाने आई है। अरे का हुआ देवी जी, इतनी सी बात पे इतना बड़ा बखेड़ा? और ये सब तो शहर में आम बात है। शहर में होता होगा पर हमारे घर नहीं होगा। अरे तुम्हें पता है साला, देख रे भाई क्या है। ये साला टांग कौन से साबुन से धोती है, बस कोई बता दे साला, हम पूरा साबुन खा जाए। हम तो इसे पूरा ही खा जाएंगे। छूने तो देगी नहीं और खाने के ताक में लगे। अजी सुनते हो, खाना लग गया है, आ जाइए खाना खाने के लिए। तुमने तो भैया जी के साथ में बहुत वक्त बिताया होगा, बुरा ना मानो तो माँ को भी थोड़ा वक्त बिताने दो, बैठने दो हमें भी। आइए ना बैठिए। अरे आइए ना, कहाँ इन दोनों दोस्तों के बीच में घुसे जा रही है आप, आइए हमारे पास बैठिए, खाना खाते हैं। कितना दुबला हो गया तू, तू अच्छे से खाना खा। हाँ अच्छे से, आप लीजिए ना, वहां पे तूने अपना ध्यान ही नहीं दिया। ले थोड़ा सा, आज हम खिलाएंगे। इतना नहीं खा पाएंगे हम। नहीं नहीं, तुम बहुत दुबले हो गए बेटा, बहुत बहुत दुबले हो गए। खाने के वक्त ना सिर्फ खाने पे ध्यान होना चाहिए और अन्न का अपमान बिल्कुल भी मत कर, समझा ना? अरे वाह, आज का खाना तो बहुत ही लाजवाब बना है। मन भर गया पर नियत नहीं भरी। नियत की तो बात है, पता नहीं होता है कि किसकी नियत कैसी होगी। आज चलकर तुम हमारे कमरे में हमारे साथ ही सोगे, चलो। पर माँ ये क्या बात हुई, हम छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं। सब समझते हैं हम, हमें सब पता है, चलो हमारे साथ चलो। माँ हम 6 साल के बच्चे हैं क्या जो आप ऐसे जिद कर रही हैं? हमने कह दिया ना कि तुम हमारे साथ चलकर हमारे कमरे में सोगे, मतलब वहीं सोगे, चलो चलो। कहा ना, जेनी जेनी कहाँ हो यार, अब आ भी जाओ यार, इतना मत तड़पाओ।